हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल स्टडी। फ्रेंड्स, आज है 5 जुलाई 2019 और आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर होगा 5 जुलाई का, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके आपकी एग्जाम के लिए जो पॉइंट है जो करंट अफेयर के, वो कंप्लीट यहां से हो जाए। तो यहां पर वही जो पॉइंट है डिस्कस करने वाले हैं हम, जो आपके एग्जाम के लिए IMP होंगे। तो आई होप की वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आप MP पुलिस सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल दोनों के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल दोनों की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलेगी आपको, ताकि आपकी एग्जाम की जो तैयारी है और बेहतर हो सके। और यहाँ पर देखिए, ये जो परीक्षा ऐप है इसको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे रखी है हमने, वहाँ से आप जाकर डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपको हमारे कूपन कोड ROYJGOV40 को यूज करते हो तो 40% का इस पर आपको पूरा डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ से जाकर बिल्कुल इसको परचेस कर सकते हैं और डिस्काउंट पूरा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में इस बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, आप किसी भी, यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही जो और भी मटेरियल जो प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारा जो मटेरियल है प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर की ओर। जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? तो देखिए, 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, कौन है, यहाँ पे ये करंट अफेयर का पॉइंट है। बट यहाँ पे ये हमने पूछा है कि इसके जो चेयरमैन है कौन है। तो यहाँ पे आपको इमेज में भी जैसा कि दिखाई दे रहा है, ये रहे आपके ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए, 15वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है, वो चेयरमैन जो है वो है श्री NK सिंह। जी हाँ, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। ये 15वें वित्त आयोग के जो कि अध्यक्ष है NK सिंह। और यहाँ पर अगर बात की जाए YV रेड्डी की, तो ये जो है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और ये बात की जाए अगर हिम्मत कोठारी की, तो ये मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के 5वें अध्यक्ष, जो कि 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ओके, और ये जो KC नियोगी जी है, ये जो कि फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर आप इनके बारे में इतना सा याद रख लीजिए, क्योंकि ये जो बार बार पॉइंट एग्जाम में बनते हैं। चलिए डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में, जो कि आपके IMP जो फैक्ट है वो भी क्लियर हो जाए। जो कि यहाँ पे देखिए, 15वें वित्त आयोग के जो चेयरमैन है मुख्यमंत्री जो कि कमलनाथ ने मंत्रालय में उनसे मुलाकात की है, NK सिंह से और उनके अन्य सदस्यों के साथ जो कि उनकी मुलाकात की है। बात की जाए आगे, तो श्री जो कमलनाथ है वित्त आयोग के सदस्यों को राज्य के वित्तीय प्रबंधन एवं वित्तीय आवश्यकताओं की जानकारी दी है। तो ये किन्हें दिए, जो कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वित्त आयोग के सदस्यों को ये जानकारी दी है। ओके, और यहाँ पे देखिए, ये प्रदेश हित के लिए जरूरी है कि राज्य को अधिक से अधिक संसाधन जो है उपलब्ध हो। इस मौके पर केंद्रीय वित्त आयोग के सदस्य भी, जो कि श्री अजय नारायण झा, ये जो है आपको ये बता रहा हूँ, केंद्रीय वित्त आयोग के जो सदस्य है ये श्री अजय नारायण झा, श्री रमेश चंद्र जी, श्री अशोक लाहिड़ी, ओके, श्री अनूप सिंह, और जो कि आयोग के सचिव वो है जो है वो श्री अरविंद मेहता जी उपस्थित थे। तो ये सभी लोग जो उपस्थित थे, तो इनमें से आपको एक नाम और ये याद रखना है कि जो वित्त आयोग के जो सचिव है वो कौन है, अरविंद मेहता जी है। और थोड़ी सी डिटेल इसमें आप याद रख लीजिए, ताकि आपको कोई भी फैक्ट निकल कर आता है तो आप इजीली उसको क्रैक कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किस विभाग ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को और अधिक दक्ष बनाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आंगनवाड़ी शिक्षा ई लर्निंग व्यवस्था शुरू की है? तो किस विभाग ने स्टार्ट किया है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, आंगनवाड़ी शिक्षा ई लर्निंग व्यवस्था। तो बात की जाए यहाँ पे विभाग की, तो किस विभाग ने की है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, महिला एवं बाल विकास विभाग। जी हाँ, महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता है उनको अधिक दक्ष बनाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जो कि आंगनबाड़ी शिक्षा ई लर्निंग व्यवस्था को स्टार्ट किया है। चलिए यहाँ पे डिटेल में इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था GIZ, कौन सी संस्था, GIZ, ये आपको नाम याद रखना है, GIZ के सहयोग से इसे तैयार किया गया है। यह प्रशिक्षण जो पाठ्यक्रम प्रशिक्षण रहेगा, पूरे राज्य के सभी परियोजना अधिकारियों एवं पर्यवेक्षक को जो कि प्रशिक्षण के लिए दिया जाएगा, उनको मास्टर ट्रेनर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, उनको जो कि ट्रेनिंग के लिए ये जो कि कराया जाएगा, प्रशिक्षण के लिए ये जो कि कराया गया है। आगे बात की जाए तो ये लगभग जो है 25,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, इसको अभी पर्यवेक्षक जो है ये कार्य कर जो कि प्रारंभ कर दिया है इन्होंने करना, और 3,000 के समथिंग जो है इन्होंने पूर्ण कर भी लिया है इस कार्य को। ओके, तो यहाँ पर आप इतना सा डेटा याद रख लीजिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अब जो है सुपरवाइजर ट्रेनिंग देगी। तो कौन ट्रेनिंग देगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सुपरवाइजर जो होगी वो ट्रेनिंग देगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को।
आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है वो अपने वार्ड मोहल्ले की महिलाओं को अपने मोबाइल पर वीडियो दिखाकर आसानी तरीके से बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण के जो बारे में जानकारी दे सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वीडियो के माध्यम से जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होगा वो मोहल्ले या फिर गाँव मोहल्ला वार्ड क्रमांक जो भी होगा उसमें सभी को मोबाइल पर वीडियो दिखाकर और पोषण और स्वास्थ्य की जानकारी आसानी से दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सागर में 21 परियोजनाओं में कितनी क्षमता के सौर संयंत्र लगेंगे। तो सागर की बात की जा रही है, इसमें 21 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है जिसमें कितनी क्षमता के सौर संयंत्र लगेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा, देखिए यहाँ पे 1500 किलोवाट, 960 किलोवाट, 1000 किलोवाट और 1365 किलोवाट। आपका राइट आंसर रहेगा 1365 किलोवाट। जी हाँ, 1365 किलोवाट के जो कि क्षमता के सौर संयंत्र लगेंगे सागर में 21 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। आगे डिस्कस कर लेते थोड़ा सा, सागर जिले के देवरी में आई जो कि आईटीआई एवं शासकीय मेहरा महाविद्यालय में शीघ्र ही 30 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र लगेंगे। देखिए यहाँ पर दो जगह जो है सागर के अंतर्गत देवरी जो कि आईटीआई है और शासकीय मेहरा जो महाविद्यालय है इसमें दोनों में मिलाकर 30 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र जो कि लगाए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, तो 21 जो परियोजना जो को मंजूरी मिली है तो उसकी जो कार्य अभी प्रगति पर चल रहा है और इसमें 1365 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र की स्थापना का कार्य जो कि चल रहा है अभी। और इसमें अगर बात की जाए तो इसमें जो कि बुंदेलखंड चिकित्सालय महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, शासकीय महाविद्यालय तथा विभिन्न पुलिस संस्थान शामिल है। तो सभी को जो मिलाकर 21 परियोजना टोटल हो जाती है और इसमें टोटल में 1365 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी सागर जिले के अंतर्गत। और उसमें मुख्य आपको बता दिए गए, एक तो देवरी है जिसमें आईटीआई है, ओके, और एक शासकीय मेहरा जो कि महाविद्यालय है, दोनों में मिलाकर 30 जो कि किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री से साइबर अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से कितने रुपए की मांग की है। देखिए यहाँ पे जो कमलनाथ है मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, इन्होंने केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जो है अमित शाह इनसे साइबर अपराध के नियंत्रण के उद्देश्य से कुछ रुपए की मांग की है। तो वो कितने की मांग की है ये आपको बताना है। यहाँ पे आपके ये ऑप्शन रहे, आपको क्लिक करना है जल्दी से कि आपका राइट आंसर क्या रहेगा। चलिए मैं बता देता हूँ आपका राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 880 करोड़ रुपए। जी हाँ, मुख्यमंत्री जो है कमलनाथ, इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री जो है मध्य जो कि भारत के, उनसे साइबर अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से 880 करोड़ रुपये की मांग की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बारे में इतना सा, और यहाँ पर और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा कि, क्योंकि यहाँ पॉइंट जो है बहुत ही आईएमपी है। गृह एवं जेल मंत्री श्री बाला बच्चन, जी हाँ, कौन है गृह एवं जेल मंत्री, कौन है, बाला बच्चन है। यदि आप डिटेल में इनको देखना चाहते हैं सभी मंत्रियों को, मध्य प्रदेश की जो कैबिनेट मिनिस्टर को याद करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, एमपी जीके की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप इनको इजिली एक ही वीडियो में पूरे मंत्री हैं उनको याद कर सकते हैं। तो इन्होंने जो कहा है, बाला बच्चन जी ने कहा है कि अपराधियों के विरुद्ध पुलिस सख्त कार्रवाई करे, अपराधियों में पुलिस का खौफ बना रहे, इसलिए जो कि इन पे कार्रवाई करना बहुत ही जरूरी है। तो ताकि सख्त कार्रवाई की जाए तो दोबारा से कोई गलत जो कि कदम उठाने के पहले 10 बार सोचे, इसलिए जो कि बाला बच्चन ने कहा है, ये जो है गृह एवं जेल मंत्री है मध्य प्रदेश शासन में। आगे बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि थाना स्तर पर जनता की छोटी छोटी समस्याओं को ध्यान में जो कि रखकर उनको सुनकर निराकरण किया जाए तो किस विभाग द्वारा किया जाएगा कि जानकारी दें। तो किस विभाग द्वारा इनकी जो कि समस्याओं को सुना जाएगा ये जो पूरी जानकारी उन्होंने कही है। आगे बात की जाए तो श्री बच्चन जो है कि भोपाल पुलिस कंट्रोल रूम में भोपाल संभाग की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की समीक्षा कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ये जो है भोपाल कंट्रोल रूम था, उसमें भोपाल संभाग की जो कानून व्यवस्था थी उसका अपराध जो नियंत्रण की समीक्षा कर रहे थे उसमें इन्होंने इतनी बातें कही हैं। तो यहाँ पर आप इतना सा याद रख सकते हैं, बट इतना ज़्यादा आपके लिए आईएपी नहीं है क्योंकि एग्जाम में ये नहीं आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शासकीय सेवाओं में नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है अभी, जो कि शासकीय सेवाओं में जो कि नियुक्ति की जो कि अधिकतम आयु है उसको कम कर दिया गया था मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, अब इसको वापस जो कि उतना ही कर दिया गया, बढ़ाकर निर्धारित जो कि कितनी निर्धारित की गई है ये आपको बताना है। तो ये रहे आपके ऑप्शन, 40 वर्ष, 38 वर्ष, 35 वर्ष और 42 वर्ष। आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 40 वर्ष। जी हाँ, शासकीय सेवाओं में नियुक्ति की जो अधिकतम आयु है ये 40 वर्ष जो कि निर्धारित कर दी गई है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल में, क्योंकि यहाँ से आपके पॉइंट बन सकते हैं एग्जाम में। राज्य सरकार ने शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए तय अधिकतम आयु सीमा में संशोधन के आदेश जारी किए हैं।
राज्य शासन ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश भी जारी कर दिए गए। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है जो कि राज्य में, जो कि राज्य सरकार में जितनी भी वैकेंसीज आती है, जितनी भी जो कि वैकेंसीज वगैरह जो कि सेवाएं होती है शासकीय सेवाओं, उनमें जो सीधी भर्ती की जाती है उसकी नियुक्ति की अधिकतम आयु की बात की जा रही है, और ये जो बढ़ाकर मध्य प्रदेश शासन ने वापस उतनी ही कर दी जितनी पहले थी, इसको कम कर दिया गया था बट वापस से उतनी ही कर दिया गया, इतना आपको ये याद रखना है। और राज्य शासन ने जो है इसके संबंध में सभी विभागों में भी निर्देश जारी कर दिए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजपत्रित, अराजपत्रित और कार्यपालिक से भरे जाने वाले पदों के लिए न्यूनतम आयु अधिकतम जो कि 21 से 40 वर्ष होगी। तो इसके लिए जो है 40 वर्ष होगी। और बात कर ली जाए लोक सेवा आयोग की, जो परिधि से बाहर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की न्यूनतम जो अधिकतम आयु सीमा होगी वो 1840 वर्ष होगी। तो यहाँ पे देखिए इससे जो बाहर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के जो न्यूनतम अधिकतम आयु जो होगी 18 होगी और अधिकतम जो आयु होगी 40 वर्ष रहेगी। तो यहाँ पे आप इतना सा देख सकते हैं, यहाँ पे 21-40 और यहाँ पे 18-40 है। तो यहाँ पे पढ़ लीजिए पूरा, आपके लिए बहुत ही IMP ये क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह और ऊर्जा मंत्री श्री प्रव्रत सिंह ने एक जबकि कहाँ पर एक प्ले स्कूल का उद्घाटन किया है। तो इन्होंने देखे दोनों ने, आवास जो कि मंत्री है मध्य प्रदेश शासन के जयवर्धन सिंह और ऊर्जा मंत्री जो कि प्रव्रत सिंह, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि मंत्रिमंडल को याद करना है मध्य प्रदेश के, तो GK टिक्स में चले जाइए क्योंकि यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनना बिल्कुल कन्फर्म है, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई मंत्री आपके यहाँ पे करंट अफेयर में आ रहा है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा यहाँ से। तो बिल्कुल इनको कंफर्म कर लीजिए आप एग्जाम के पहले। यदि आप जीके टिक्स से आप इनको याद करेंगे तो आप इनको बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे, काफ़ी टाइम तक आप इनको याद रख पाएंगे, क्योंकि जीके की ट्रिक्स हम ऐसे ही बनाते ताकि आप उनको लंबे समय तक याद कर पाएं। तो कोशिश करूंगा कि आई बटन पे उसकी लिंक मिल जाए आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा ताकि आप इजीली जाके वहां से वो वीडियोस देख सकते हो, सभी मंत्रिमंडल को पूरा जो कि मध्य प्रदेश का है उनको याद कर सकते हैं। अब हम पॉइंट पे आते हैं। तो नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह और ऊर्जा मंत्री श्री प्रव्रत सिंह ने कहाँ एक प्ले स्कूल का उद्घाटन किया, ये रहे आपके ऑप्शन। आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा नरसिंहगढ़। जी हाँ, नरसिंहगढ़ की बात की जा रही है, नरसिंहगढ़ में जो एक प्ले स्कूल का जो कि उद्घाटन किया है जो कि जयवर्धन सिंह और प्रव्रत सिंह ने, और ये नरसिंहगढ़ जो है राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, इतना आपको मैं बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि प्ले स्कूल का उद्घाटन किया इसलिए यह पॉइंट IMP हो जाता है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्धन सिंह और ऊर्जा मंत्री श्री प्रव्रत सिंह ने नरसिंहगढ़ में पौधारोपण भी किया है। तो इसके साथ में देखिए इन्होंने पौधारोपण भी किया है, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं, और पौधारोपण के साथ में इन्होंने जो कि उसके पौधों के पेड़ बनने तक की उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी है। उन्होंने कहा है कि जो कि पौधे जो है के पेड़ बनने तक उनकी सुरक्षा करें, सभी लोगों को कहा है जहाँ पे वो थे उन वहाँ पे सभी लोगों को उन्होंने कहा है। और इस दौरान जो कि जनप्रतिनिधि नागरिक गण बहुत सारे लोग उपस्थित थे। अब बात की जाए तो मंत्री द्वय दोनों मंत्रियों ने जो है नरसिंहगढ़ में एक प्ले स्कूल का भी उद्घाटन किया है। तो इन्होंने जो कि पौधारोपण भी किया है नरसिंहगढ़ में और प्ले स्कूल का उद्घाटन भी किया है। तो दो चीज़ें इन्होंने की है, किसने की है, जयवर्धन सिंह जो कि नगरीय एवं विकास आवास मंत्री है, और प्रव्रत सिंह जो कि ऊर्जा मंत्री है मध्य प्रदेश शासन में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, बिरला मंदिर जो कि भोपाल में स्थित है में क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के विजय होने की कामना स्वरूप कितनी फीट लंबी अगरबत्ती प्रज्वलित की गई है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कितनी फीट लंबी अगरबत्ती प्रज्वलित की गई है क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की विजय होने के लिए बिरला मंदिर में। तो यहाँ पे देखिए ये रहे आपके ऑप्शन, 15 फीट, 10 फीट, 5 फीट, 6 फीट। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 6 फीट। जी हाँ, जो कि बिरला मंदिर भोपाल में स्थित है और इसमें जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के विजय होने की कामना स्वरूप जो कि 6 फीट लंबी अगरबत्ती को प्रज्वलित किया है। और ये एक मंत्री मध्य प्रदेश के शासन में मंत्री जी है उनके द्वारा ये किया गया। तो देखिए जनसंपर्क जो मंत्री है मध्य प्रदेश शासन में PC शर्मा जी, इन्होंने लक्ष्मी नारायण बिरला मंदिर में क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की विजय होने की कामना स्वरूप 6 फीट लंबी अगरबत्ती प्रज्वलित की है। तो मोस्ट IMP क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि थोड़ा सा याद रख लीजिए 6 फीट लंबी अगरबत्ती की याद रख लीजिए, वो किस लिए और कहाँ पर और किसने, इतना सा आप याद रख लेंगे डेटा तो आपको यहाँ से कोई भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा। आगे बात की जाए तो यहाँ पे देखिए मंत्री जी ने क्या किया है, पूजा अर्चना की है, उसके बाद में श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया है ताकि यहाँ पे पूरी उनकी जो कामना है पूरी हो, इसलिए इन्होंने 6 फीट लंबी अगरबत्ती जो है उसको प्रज्वलित किया है बिरला मंदिर भोपाल में।
तो यहाँ पे देखिए ये आपके पॉइंट थे। हमने नेक्स्ट वीडियो इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर हमें सबसे पहले बताया है वो बताया जे की बनिया जी ने बताया, और यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले हमें कमेंट करके बताया कि इसका जो राइट आंसर है क्या रहेगा। बहुत सारे लोगों ने भी हमें कमेंट करके बताया है, बट हमने सबसे पहले इन्होंने ही बताया इसलिए इन्हीं का नाम अनाउंस किया गया है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो ये जो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब बात की जाए 14 जिलों में कौन कौन से जिले आते हैं, तो देखिए 14 जिलों में जो कि आप जीके ट्रिक्स के माध्यम से आप इनको याद कर सकते हैं, मैंने वही जो कि डेटा लिया है ताकि आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। जीके ट्रिक्स रहेगी रउआ रासी भौरासा दमजब कटनी उमरासा, इतना आपको याद रखना है। और आपको मध्य प्रदेश के जो 14 जिले हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है वो पूरे आपको एक छोटी सी लाइन में ही याद हो जाएंगे। क्या ट्रिक है? रउआ रासी भौरासा दमजब कटनी उमरासा। देखिए रा से बनेगा रतलाम, ऊ से उज्जैन बन जाएगा, और आ से आगर। पहले जो कि साजापुर था, बट साजापुर से जो कि आगर मालवा को अलग जो कि जिला बनाया दिया गया था, उसके बाद में ये सागर साजापुर जो है वो हट गया था इससे, और आगर जो कि ऐड हो गया था इसमें। तो आ से आगर हो जाएगा, और रा से राजगढ़ हो जाएगा। राजगढ़ भी जो है कर्क रेखा, जो कि राजगढ़ जिले से भी कर्क रेखा गुजरती है। जिसके बाद में सीहोर हो जाएगा, सी से भा से भोपाल हो जाएगा, और वा से विदिशा। आगे बात की जाए तो रा से रायसेन हो जाएगा, सा से सागर, दम से दमोह हो जाएगा, जब से जबलपुर, और कटनी पूरा आ ही गया आपका, कटनी हो जाएगा, उमरा से उमरिया, और सा से शहडोल। तो ये 14 जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, इनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। रउआ रासी भौरासा दमजब कटनी उमरासा, इजीली इस ट्रिक के माध्यम से आप इनको सभी को याद कर सकते हैं। तो आई होप के पसंद आपको ये ट्रिक आई होगी। आज का क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में अजंता के समान गुफाएं कहाँ पाई जाती है। तो बात की जा रही है गुफाओं की, तो मध्य प्रदेश में जो अजंता के समान जो गुफाएं कहाँ पाई जाती है, ये रहे आपके ऑप्शन विदिशा, पहाड़गढ़, धाड़ और रायसेन। आपको क्लिक करके जल्दी से बताना है कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम भी अनाउंस किया जाए। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम इनके बारे में पूरी डिटेल के साथ आपको डिटेल बताएंगे, IMP इफेक्ट भी बताएंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में आपको एक बात और बता देता हूँ, ये हमारे वीडियोज है मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्तियाँ, जैसे कि हम अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। जून माह का जो करंट अफेयर का वीडियो वो भी अपलोड कर चुके हैं, और MP में कौन क्या है ये वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे तो ये जाकर देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से बताए हुए हैं, बहुत ही अच्छी जो कि GK डिटेल भी हमने इसमें बताई हुई, ताकि आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, इसलिए पूरी डिटेल यहाँ से बताइए। बॉलीवुड से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन MPSI के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉन्स्टेबल पिछली बार जेल प्रहरी में, कॉन्स्टेबल में और SI में, तीनों में पूछा गया था। कौन क्या से रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते रहते हैं, और करंट अफेयर से तो आप सभी को पता ही है बनते हैं। तो इन वीडियो पे बिल्कुल आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।